झूठे मुकदमे में फंसाने का लगाया आरोप, लगाई पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा से इंसाफ की गुहार। रामपुर के थाना शाहबाद क्षेत्र के ग्राम जवाना निवासी पूर्व सभापति और व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष यमन खान ने पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा से इंसाफ की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि 7 माह पूर्व प्रेम प्रसंग के चलते गांव के ही रहने वाली युवती मैरुल पुत्री मुहिम बेग ने गांव के ही रहने वाले जाकिर पुत्र आबिद से निकाह कर लिया था, जिसके चलते लड़की पक्ष की माता ने नेरुल के देवर शाकिर व गांव के ही रहने वाले सम्मानित व्यक्ति यमन खां के ऊपर लड़की को अपहरण करने की मुकदमा थाना शाहबाद में दर्ज करा दिया था, जबकि लड़की बालिग होने के कारण दोनों का विवाह 7 माह पूर्व हो चुका है। यमन अमन खां ने बताया। जी क्या नाम है? जी मैं यमन खां, ग्राम रवाना तहसील शाहबाद जिला रामपुर का रहने वाला हूँ और पूर्व सभापति हूँ और इस टाइम अल्पसंख्यक व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष। क्या मामला है पूरी बात? भाई मामला ये है, प्रेम प्रसंग का मामला है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, गांव का इन दोनों का प्रेम प्रसंग का मामला था। ये लड़की जो थी अपने घर वालों से तंग आकर और उसके साथ चली गई, जबकि उसने कोर्ट मैरिज वगैरह या जो भी कागज वगैरह है संबंधित जिसे उसके साथ निकाह कर दिया 6 महीने में। फिर क्या? फिर ये हुआ कि मैं जब सियासी आदमी हूँ तो जाहिर सी बात है मेरी नाराजगी भी हुई गाँव में। प्रधान पक्ष ने जो है बिना निष्पक्ष जांच के कराए और मुकदमा कायम करा दिया। कितने लोग? 3 लोग हैं साहब इसमें, एक तो लड़के का भाई है, लड़का और सियासी लिविंग में। अच्छा तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से सब ये अपील कर रहा था कि जब इन लोगों ने तहरीर दी थी तो पहले उसकी जांच कराई जाए। दूसरी और लड़की ने बताया कि मलेशिया रमानी की रहने वाली हूँ, तहसील सवाद है, जिला रामपुर है, उम्र मेरी 19 साल है, मैं नाबालिग नहीं हूँ और मेरे बाप ने शहजाद को 1-1 बजे तक बिठाते थे और सरताज खां को 1-1 बजे तक बिठाते थे और उनके खिलाफ कार्रवाई केस करा जा बलात्कार का, क्यों मेरे साथ में उन्होंने बहुत बहुत बुरा करा है और करना चाहते थे मेरे साथ में, इस बारे में भाग के आई और जाकिर का नाम लेना चाहते थे, इज्जत पे दाग लगा के मेरी मारे के जाकिर का नाम लग जा और हमेशा मार दे मेरे पापा को मेरे भैया को सबको ये सलाह दी शहजादे ने कि ऐसा मार दो लोंडिया को अपनी, तुम्हारे 4 लाख रुपये बच जाएंगे और जाकिर पे इल्ज़ाम लग जाएगा केस का, जाकिर चला जाएगा जेल। और मैं ऐसा करना चाहती, मैं खुद आई हूँ दिल्ली तक मैं खुद आई हूँ रमाने से अपने, मुझे ये ना लेके आए हैं उन्होंने पर फ़ोन करा है कोई। मेरा नाम जाकिर हुसैन भाई और ये मेहरुल निसा जो है ये मेरी बीवी है, इसकी तुमने सारी वीडियो देखी ली होगी, क्या समझे? मैं बताता तो झूठ है इसलिए इसने अपने सारे अपने बयान खुद दर्ज करे हैं ये सारे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इसके बाप पे मेरे पैसे आ रहे हैं, इसका पूरा मकान मैंने बनवाया था आज से 2 साल पहले, इज्जत के खातिर मैंने नहीं बताया, इसको मारते हैं तोड़ते हैं धमके देते हैं, इसने कितनी बार अपने हाथों से पैसे लेके दिए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, ये इसको मारना चाहते थे इसलिए ये मजबूरी में ये मेरे पास आई, मैं इसको नहीं ले जाया, ये अपनी मर्जी से आई, इसने मुझे फ़ोन किया, कॉन्टेक्ट किया, बोले मैं मार जाऊँगी जब भी तुम्हारा नाम लगेगा, तुम्हारे पास रहूँगी जब भी तुम्हारा नाम लगेगा। इसके साथ मेरा निकाह भी हुआ हुआ है, कोर्ट मैरिज भी, दोनों चीज़ें ठीक है, और बाकी आप लोग समझ सकते हो।